हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ईसीई गेट 2017। आई एम सत्यविजय तिवारी। तो उसके पिछले वीडियो में अपन ने क्या देखा था? रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या बोलती थी? रिस्पांस और एक्साइटेशन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा, चाहे आप रिस्पांस और एक्साइटेशन की पोजीशन चेंज कर दें। तो इस पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। वेरीफाई रेसिप्रोसिटी थ्योरम ऑफ द सर्किट शोन एक्साइटेशन करंट एंड रिस्पांस वोल्टेज। एक्साइटेशन करंट है और वोल्टेज आपका रिस्पॉन्स है। तो रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन मतलब वोल्टेज का और करंट का रेशियो सेम होगा। तो इसमें देखते हैं अपन, करंट आपका 6 एम्पियर गिवन है। वोल्टेज आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? यहाँ पर ये IT करंट आया, ये डिवाइड हो गया, करंट डिवीजन लगा दिया। तो I2 कितना हो जाएगा? टोटल करंट 6 इंटू अपोजिट आर्म का रजिस्टेंस, 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 3 9, तो 4 एम्पियर। और VDS की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I2 इंटू 3, तो 12 वोल्ट। तो रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन का रेशियो कितना होगा? 2। अब अपन ने दूसरे केस में क्या किया? रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन की पोजीशन चेंज कर दी, मतलब जो यहाँ पर वोल्टेज था आपका वो हो जाएगा आपका यहाँ पर, और जो करंट था वो हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो जब यहाँ से करंट आपने हटाया, तब अपने इंटरनल रेजिस्टेंसेस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो करंट का इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब ये इनफाइनाइट मतलब ओपन सर्किट हो जाएगा। और वोल्टेज में क्या होगा? वोल्टेज का इंटरनल इम्पिडेंस कितना होता है? शॉर्ट सर्किट होता है, मतलब जीरो जीरो होगा। और जब ये करंट सोर्स आपका यहाँ पर लगाएंगे, तो रेजिस्टेंस के साथ हमेशा पैरेलल में आएगा आपका करंट सोर्स, हमेशा पैरेलल में हो गया करंट सोर्स। और ये हो गया आपका वोल्टेज सोर्स, मतलब ये जो वोल्टेज था वो यहाँ पर करंट सोर्स हो जाएगा आपका ओपन सर्किट, और उसके अक्रॉस वोल्टेज, और ये करंट सोर्स आपका ये 3 ओम के अक्रॉस पैरेलल में। तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट नेटवर्क। अब इसमें आप रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन की जगह देखेंगे, तो रिस्पॉन्स आपका कितना था? वी। रिस्पॉन्स वी और एक्साइटेशन 6। अब इसमें भी आप करंट डिवीजन लगा सकते हैं। तो I1 कितना हो जाएगा? टोटल करंट 6 इंटू 3 अपोजिट आर्म अपॉन 6 प्लस 3, तो 2 एम्पियर। और वोल्टेज कितना हो जाएगा? वोल्टेज जो यहाँ का वोल्टेज है वही यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा, तो I1 इंटू 6 यानी 12। तो रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन कितना? 2, यहाँ पर भी 2। तो ऐसे आपकी रेसिप्रोसिटी थ्योरम आपने वेरीफाई कर ली। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। रेसिप्रोसिटी थ्योरम आप कब अप्लाई कर सकते हैं? तभी अप्लाई कर सकते हैं जब रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन की कोई यूनिट हो, या तो वो यूनिट मो हो, मो मतलब करंट अपॉन वोल्टेज, या तो वो यूनिट आपकी वी अपॉन आई मतलब ओम हो, या तो रिस्पॉन्स वोल्टेज हो और एक्साइटेशन करंट हो, या रिस्पॉन्स करंट हो और एक्साइटेशन वोल्टेज हो, तभी आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और रेस्ट ऑफ द टू केस आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जब रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन की कोई यूनिट ना हो। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। मान के चलिए रिस्पॉन्स भी करंट और एक्साइटेशन भी करंट, तो यहाँ पर आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। और मान के चलिए इसमें रिस्पॉन्स भी वोल्टेज और एक्साइटेशन भी वोल्टेज, तो इसमें भी आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। टू अप्लाई रेसिप्रोसिटी थ्योरम यूनिट ऑफ रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन शुड बी आइदर मो और ओम। यूनिट्स हमेशा मो या ओम होनी चाहिए, तब आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और टू अप्लाई रेसिप्रोसिटी थ्योरम सर्किट शुड कंसिस्ट ऑफ ओनली वन इंडिपेंडेंट सोर्स। एक इंपॉर्टेंट उसकी प्रॉपर्टी और है, जब रेसिप्रोसिटी थ्योरम कब अप्लाई होगी? तब ओनली वन इंडिपेंडेंट सोर्स हो नेटवर्क में। अपन ने जो पिछली 3 प्रॉब्लम देखी है रेसिप्रोसिटी थ्योरम में, उनमें हमेशा एक वन इंडिपेंडेंट सोर्स था, ओनली वन इंडिपेंडेंट सोर्स था। वेन नेटवर्क इज हैविंग ओनली डिपेंडेंट सोर्स इट कैन नॉट बी अप्लाइड। यह कब अप्लाई नहीं कर सकते हैं? जब नेटवर्क में केवल डिपेंडेंट सोर्स हो, इट कैन नॉट बी अप्लाइड। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। वेन गिवन नेटवर्क सेटिस्फाई द रेसिप्रोसिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। ये कोई नेटवर्क गिवन है और उसमें बताया है कि ये नेटवर्क आपका रेसिप्रोसिटी थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है,
तो आपको ये करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। एक ये नेटवर्क गिवन है और एक ये नेटवर्क गिवन है। तो दिया क्या है कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम, ये भी फाइंड, ये भी ओबे कर रहा है और ये भी कर रहा है, तो आपको ये करंट की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। तो ये करंट की वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, जब दो वोल्टेज सोर्स हो, दो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो। तो मैंने क्या बताया था सुपर पोजिशन थ्योरम में, आप ये करंट इंडिविजुअल वोल्टेज सोर्स से निकाल के फिर ऐड करके टोटल निकाल सकते हैं करंट। तो अपन इसमें क्या करेंगे, पहले ये 30 वोल्ट लेंगे, इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे, फिर ये 30 वोल्ट लेंगे और इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो ठीक है, इसमें देखा अपन ने, फर्स्ट अपन ने ये 30 वोल्ट कंसीडर किया और इसको शॉर्ट सर्किट कर लिया, और करंट वैल्यू होगी आई डैश। इसमें अपन ने सुपर पोजिशन थ्योरम लगा रहे हैं, सुपर पोजिशन थ्योरम। तो रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन कितना हो गया, रिस्पॉन्स था आई डैश और एक्साइटेशन 30, तो आई डैश अपॉन 30, ये हो गया आपका इस नेटवर्क का रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन। और ये नेटवर्क आपको गिवन था, ये भी आपका क्या, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, मतलब वो रेसिप्रोसिटी थ्योरम को वेरीफाई कर रहा था। तो इसमें रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन का रेशियो कितना हो गया, रिस्पॉन्स 10 और एक्साइटेशन 10 और रिस्पॉन्स 2, एक्साइटेशन 10 और रिस्पॉन्स 2, तो 2/10, 2/10 से इसको कंसीडर किया, क्योंकि रेसिप्रोसिटी सम थ्योरम वही बोलती है कि रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन हमेशा कांस्टेंट होगा। तो जब ये और ये नेटवर्क इक्विवेलेंट थे, तो इसका रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन कांस्टेंट और इसका रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन कांस्टेंट इक्वल होंगे, तो आई डैश अपॉन 30 को अपन ने 2/10 से कंपेयर किया, तो आई डैश की वैल्यू आ गई आपके पास 6 एम्पियर। 6 एम्पियर अब आपने इसमें ये 30 वोल्ट लेके कंसिडर किया और इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, I डबल डैश कितना हो जाएगा, I डबल डैश रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन। अब यहाँ देखिए, इसमें 5 एम्पियर की करंट इस साइड जा रही है, लेकिन इसमें I डबल डैश इस साइड हो जा रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन में। माइनस I डबल डैश अपॉन 30 इक्वल्स टू रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन, यानी 5/10। तो I डबल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -15 एम्पियर। तो टोटल जो करंट होगा I डैश प्लस I डबल डैश, यानी 6 -15, तो -9 एम्पियर। आप ऐसे इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें एक थ्योरम और देखते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। बेसिकली क्या होती है, बेसिकली थेवेनिन थ्योरम ही होती है, क्योंकि इसमें भी आपको VTH फाइंड करना है, RTH फाइंड करना है, ठीक है, और फिर लोड के अक्रॉस आपको मैक्सिमम पावर कैलकुलेट करना है। तो VTH आप सेम जैसे थेवेनिन थ्योरम में फाइंड करते थे वैसे ही करेंगे, और RTH भी आप वैसे ही फाइंड करेंगे। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का, ऐसे बन जाएगा। तो इसमें आप करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई आई हो जाएगा आपका टोटल वोल्टेज VS या VTH अपॉन सोर्स रजिस्टेंस प्लस लोड रजिस्टेंस RS प्लस RL। तो पावर कितना हो जाएगा, टोटल करंट का होल स्क्वायर इंटू लोड रेजिस्टेंस, I स्क्वायर इंटू RL। आई की वैल्यू VS अपॉन RS प्लस RL, इसका होल स्क्वायर इंटू RL। अब ये मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर करेगा, जब RS आपका RL के बराबर हो जाएगा। तो मैक्सिमम पावर के लिए आपने RS को RL के इक्वल ले लिया, RS को RL के इक्वल लिया, तो RS की जगह पे RL पुट कर दिया इसमें, तो VS का होल स्क्वायर अपॉन 2 RL का होल स्क्वायर, मतलब 4 RL, क्योंकि एक RL और RL के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो VS का होल स्क्वायर अपॉन 4 RL हो गया। ठीक है, इसकी इफिशियंसी देखते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100%। तो आउटपुट कितना था, I स्क्वायर इंटू RL, लोड के लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर अपॉन इनपुट पावर कितना था, I स्क्वायर इंटू RL प्लस RS, टोटल रेजिस्टेंस। तो ये कैंसिल हो गया, RL अपॉन RL प्लस RL, क्योंकि RS को भी आपने RL ले लिया था यहाँ पर, तो 2 RL अपॉन 2 RL, RL टू RL कैंसिल हो जाएगा। तो 100/2 इफिशियंसी कितनी हो जाएगी इसकी, 50%, मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 50%।
और आपको आर एस को आर एल के इक्वल लेंगे तब ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, तब आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एल टू ऑब्टेन मैक्सिमम पावर फ्रॉम सोर्स टू लोड। आर एल की वैल्यू, ये कोई लोड रजिस्टर है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है जब ये ऑब्टेन मैक्सिमम पावर फ्रॉम सोर्स टू लोड। सोर्स ये हो गया, सोर्स से मैक्सिमम पावर आए लोड में, तब आर एल की वैल्यू कितनी होगी। तो ठीक है, इसका इक्विवेलेंट आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ए ले लिया आपने, ये एक पॉइंट बी ले लिया, ये एक पॉइंट सी ले लिया, एक डी ले लिया। जब भी ऐसा एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो या कॉम्प्लेक्स सर्किट हो तो आप ऐसे पॉइंट कंसीडर करके उसको सिंपल सर्किट में ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपने देखा ए पॉइंट और बी पॉइंट, तो ए और बी के बीच में क्या क्या कनेक्ट है, ए और बी के बीच में लोड रेजिस्टेंस आर एल कनेक्ट है। तो ए और बी के बीच में लोड रेजिस्टेंस आर एल कनेक्ट कर दिया आपने, और ए और सी के बीच में क्या क्या कनेक्ट है, ए और सी के बीच में 6 ओम, ए और डी के बीच में 6 ओम, बी और डी के बीच में 6 ओम, और बी और सी के बीच में 3 ओम। तो ऐसे आपने ये ड्रॉ कर लिया, और सी और डी के बीच में ये वोल्टेज सोर्स है, तो सी और डी के बीच में ये वी एस कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब आर एल आपका कितना था मैक्सिमम पावर के लिए, आर एल जो होगा वो आपका आर टी एच के इक्वल होना चाहिए, तब वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो इसमें आपने क्या किया, आर टी एच कैलकुलेट करते हैं आप, आर टी एच इसमें कैलकुलेट करते हैं। तो आर टी एच कैसे कैलकुलेट करते थे, जितने इंडिपेंडेंट सोर्स होंगे उनको उसके इंटरनल इम्पिडेंस से रिप्लेस कर देंगे। तो वोल्टेज सोर्स है उसका इंटरनल इम्पिडेंस 0, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जब ये शॉर्ट सर्किट हुआ तब ये सिक्स और ये 6 हो गए आपके पैरेलल में, और ये 3 और ये 6 हो गए आपके पैरेलल में। तो ये सिक्स पैरेलल में हो गया 3, और ये 6 और ये 3 पैरेलल में हो गया 2, और ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्ट हो गए। तो आर टी एच कितना हो गया, 5 ओम, आर टी एच हो गया 5 ओम। मतलब लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू जब आप 5 ओम रखेंगे, इसमें आर एल की वैल्यू जब आप 5 ओम रखेंगे, तब उस कंडीशन में ये सोर्स से लोड पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। इन द सर्किट शोन फाइंड वी ए टू ऑब्टेन मैक्सिमम पावर फ्रॉम सोर्स टू लोड। ये कोई सर्किट आपको गिवन है और इसमें क्या बोला है, वी ए की वैल्यू फाइंड करनी है टू ऑब्टेन मैक्सिमम पावर फ्रॉम सोर्स टू लोड। ये आपको नेटवर्क दिख रहा है, ये पूरा आपका क्या है, लोड है, ये पूरा लोड है और ये आपका सोर्स है। तो ये टोटल लोड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर किस कंडीशन में ट्रांसफर करेगा, ये है सोर्स रेजिस्टेंस मतलब आर एस, या ये है आपका आर एस। तब ये जो आपका सोर्स है ये लोड पर, ये लोड है टोटल, इस पर मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर करेगा, जब ये लोड का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सोर्स के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। मतलब ये जो लोड है इसका टोटल रेजिस्टेंस 100 ओम के बराबर होगा, तभी ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो पहले तो ये लोड का अपन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 200 ओम, 200 ओम पैरेलल में है 50 ओम और वी ए के, 50 ओम और वी ए के पैरेलल में है। तो इसका आप देखते हैं रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वी ए को आपने मान लिया कितना, वी ए को मान लिया आपने कि इसका रेजिस्टेंस है आर है, इसका रेजिस्टेंस कुछ भी होगा, आपने आर की वैल्यू इसमें मान ली कि इसका रेजिस्टेंस आर है। क्योंकि आप देखिए ऐसा कर सकते हैं, जैसे ये कोई नेटवर्क है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसमें इसमें जैसे ये 18 वोल्ट है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 12 वोल्ट हो रहा है, 12 वोल्ट हो रहा है। तो इसका इक्विवेलेंट आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब 18 वोल्ट और 3 ओम एज इट इज हो गया, और जो 6 ओम के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा था उसको आपने एक वोल्टेज सोर्स से डिनोट कर दिया। मतलब वोल्टेज सोर्स को आप रेजिस्टेंस से डिनोट कर सकते हैं, या जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उससे आप डिनोट कर सकते हैं।
ऐसे ही अपन ने यहाँ पे किया कि अभी VA की वैल्यू अपन को पता नहीं है, जितनी भी होगी उसको अपन एक रेजिस्टेंस R से डिनोट करते हैं। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो 50 के साथ क्या होगा, सीरीज में, तो R प्लस 50 हो जाएगा। ये टोटल कॉम्बिनेशन 200 के साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल में, तो इसका R इक्वलेंट आप ये हो गया 200 इंटू 50 प्लस आर अपॉन 200 प्लस 50 प्लस आर। तो मैंने क्या बताया था आपको, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में लोड का टोटल रेजिस्टेंस होगा, लोड का टोटल रेजिस्टेंस सोर्स के रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए, मतलब 100 ओम। तो ये जो रेजिस्टेंस होगा ये 100 ओम के इक्वल होना चाहिए, तब ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा सोर्स से लोड में। तो इससे आप आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, 150 ओम आई यहाँ से आर की वैल्यू। जब आर की वैल्यू 150 आई तो 150 प्लस 50 200, और ये भी 200 है, तो आई टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल वोल्टेज 20 अपॉन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जब ये 200 था और ये 200 पैरेलल में था, तो 200 इंटू 200 अपॉन 200 प्लस 200 यानी इक्विवेलेंट इसका कितना आ जाएगा 100। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, 20 अपॉन सोर्स रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस। सोर्स और लोड रेजिस्टेंस देखो यहाँ सेम हो गए, 100 और 100, तो 1/10 आ गया आपका आई टी। और फाइंड क्या करना था आपको, वी ए की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो वी ए का रेजिस्टेंस अपन ने कैलकुलेट कर लिया था और करंट 1/10 जा रहा था, तो वी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई टी बाई 2 इंटू आर। तो वी ए की वैल्यू रहती 7.5 वोल्ट, कैलकुलेट आप कर सकते हैं। तो ये हुई मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। चलिए इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फाइंड रेजिस्टेंस आर टू ऑब्टेन मैक्सिमम पावर फ्रॉम सोर्स टू लोड। ये कोई सोर्स है और ये टोटल लोड दे रखा है आपको, तो इसमें क्या बोला है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, कब, जब मैक्सिमम पावर सोर्स से लोड में ट्रांसफर हो, तब। ये था आपका लोड, ये था सोर्स, ये था सोर्स, ये पूरा है लोड। तब सोर्स से लोड में मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगा, जब जो आर इक्वलेंट होगा वो सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, मतलब जो इसका टोटल लोड होगा वो जब आपका 2 ओम सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर होगा, तभी तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। मतलब इसका आर इक्वलेंट आपने ले लिया 2 ओम, आर इक्वलेंट ले लिया इसका 2 ओम, तभी तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। तब टोटल करंट कितना हो जाएगा, टोटल करंट आपको इसमें कैलकुलेट करना है, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा इसमें, टोटल करंट कितना हो जाएगा, आई इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज अपॉन आर एस प्लस आर इक्वलेंट यानी 10/4, तो 2.5 एम्पियर। ठीक है, 2.5 एम्पियर, और अब आपने ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी, ये वैल्यू जो आई की वैल्यू थी, टोटल करंट आपका आ गया 2.5 एम्पियर। अब ये आई आप कैसे लिख सकते हैं, 10 10 माइनस 3, यहाँ पे आपने KVL लगाया, तो 10 माइनस 3 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 2 प्लस 2, कितना था ये, 2.5 आया था। तो यहाँ से आप आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, 0.8 ओम। आर की वैल्यू जब 0.8 ओम होगी तब सोर्स से लोड में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इन द सर्किट जोन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर टू ऑब्टेन मैक्सिमम पावर फ्रॉम सर्किट ए टू सर्किट बी। ये सर्किट ए है और ये सर्किट बी है, ये सर्किट बी है, ये सर्किट ए है। ये हो गया सोर्स, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका सोर्स, और ये टोटल हो गया आपका लोड, ये टोटल हो गया आपका लोड। तो मैंने क्या बताया था आपका, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है, लेकिन वोल्टेज सोर्स के साथ पैरेलल में आप रेजिस्टेंस हो, करंट सोर्स हो या कैपेसिटर हो, उसको आप क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपको तीसरे या चौथे वीडियो में बताया था, आप देख सकते हैं उसको। तो इसका इक्विवेलेंट आप सीधे वोल्टेज सोर्स से डिनोट कर सकते हैं, जब ये हट जाएगा आपका तब ये हो जाएगा जो मैंने इसके पहले जस्ट पहले क्वेश्चन बताया, सेम टू सेम वही नेटवर्क हो जाएगा। तो वैसे ही आप आर की वैल्यू इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं,
मतलब इसमें आप कैपेसिटर वोल्टेज सोर्स के साथ पैरेलल में है तो इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं अपन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एसी में कैसे अप्लाई करेंगे। एसी सर्किट है, एसी सर्किट में इम्पीडेंस होता है, रेजिस्टेंस की जगह इम्पीडेंस होता है, मतलब जेड टी एच लिखते हैं। तो जेड टी एच काय काय का कॉम्बिनेशन होगा, आर टी एच का प्लस जे एक्स टी एच का, तो टोटल वोल्टेज, थेवनिन रेजिस्टेंस और ये लोड हो जाएगा, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, वी टी एच अपॉन सोर्स प्लस लोड। इसको अपन ने अलग अलग कर दिया, रियल पार्ट अलग कर लिए और इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया और ऐसे आप इसकी पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको इतना इसमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे मैं क्वेश्चन बताऊंगा तब आपकी क्वेरी और क्लियर हो जाएंगे। अब इसमें कुछ केस होते हैं, मान के चलिए बोथ आर एल और एक्स एल दोनों जब वेरिएबल हैं, तब जो आपका लोड रेजिस्टेंस होगा आर एल प्लस जे एक्स एल हो जाएगा, वो थेवनिन क्या क्या होगा, जस्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। मतलब जो जो आपका लोड रेजिस्टेंस होगा और थेवनिन थ्योरम होगा वो एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएंगे। बस आपको ये याद रखना है कि एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएंगे, मतलब जितना थेवनिन रेजिस्टेंस होगा, थेवनिन इम्पिडेंस होगा, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा लोड। और जब आपका लोड रेजिस्टेंस, लोड इम्पिडेंस पूरा रजिस्टिव हो, लोड इम्पिडेंस पूरा रजिस्टिव हो, तब आप केवल उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, आर एल हो जाएगा मोड जेड टी एच, मोड जेड टी एच। ये मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा तब आपको और क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।